इंडियन मार्केट में बजट गेमिंग लैपटॉप्स का कंपटीशन काफी तगड़ा है। बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने मिल जाते हैं। पहले ये ऑप्शंस आपको नहीं देखने मिलते थे। 55,000 के प्राइस रेंज पे आपको काफी तगड़े गेमिंग लैपटॉप्स देखने मिल जाते हैं। तो इस वाले वीडियो में हम बेस्ट गेमिंग लैपटॉप आपको बताएंगे अंडर 55,000 जो आपको देखने मिल जाएगा, और आप चूज कर पाओगे कि कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेस्ट है। तो लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रोड मैप बता देता हूँ कि आपको कैसे फॉलो करना है वीडियो को। तो मैं यहाँ पर आपको चार लैपटॉप्स बताने वाला हूँ। चार क्यों भैया? तो यार कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करूंगा, आपको लास्ट में वीडियो के एंड में पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप बेस्ट है, आप एक लैपटॉप चूज कर पाओगे। बट मुझे चार बताना पड़ेगा क्योंकि सबके बजट के हिसाब से मुझे बताना पड़ता है। तो यार आपको मिनिमम बजट जो है वो 53,000 लेके चलना है, और मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज पे ही आपको एक अच्छा गेमिंग लैपटॉप देखने मिलेगा। 50,000 का अगर आपका बजट है 50,000 का, तो वहाँ पर आपको जनरली लैपटॉप्स नहीं देखने मिलते हैं, आपको सेल में देखने मिल जाते हैं, लाइक दिवाली में देखने मिल जाता है, बट हर मंथ दिवाली नहीं होती। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आपका जो मिनिमम बजट है वो एटलीस्ट 53,000 होना चाहिए, और चारों ऑप्शंस आपको 55,000 के अंडर देखने मिलेंगे। और जो भी लैपटॉप आप सिलेक्ट करते हो तो उसका जो फुल रिव्यू है मैंने बना रखा है, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उस लैपटॉप का फुल रिव्यू चेक कर सकते हो। क्योंकि यार इस वाले वीडियो में सारे लैपटॉप्स को रिव्यू करना पूरी तरीके से बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा वीडियो, तो हम मेन हाइलाइटिंग जो स्पेसिफिकेशन है उनको ही कवर करेंगे और उस हिसाब से आपको बताएंगे कि बेस्ट लैपटॉप कौन सा है। तो सबसे पहले जो लैपटॉप है वो है Acer Aspire 7, ये आपको 53,000 पे देखने मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन के बारे में बात करूं तो यहां पर आपको प्लास्टिक बिल्ड देखने मिल जाती है, Acer का प्रोफेशनल लुक देखने मिल जाता है। नॉर्मली जितने भी Acer के लैपटॉप्स होते हैं यही डिजाइन के साथ में आते हैं, और बिल्ड क्वालिटी काफी एवरेज सी है यहां पर। यहां पर आपको कोई RGB इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, बट जो बैकलिट कीबोर्ड है उसका जो कलर है वो काफी सटल सा व्हाइट कलर है जो आंखों को परेशान नहीं करता है। और जो ये लैपटॉप का मास है वो 2.15 kg का है, और यहाँ पर आपको 15.6 इंच की फुल HD की पैनल देखने मिल जाएगी। बट ये IPS पैनल नहीं है, ये TFT पैनल है। TFT पैनल थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है एज कम्पेयर टू IPS पैनल। और यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाएगा, 8GB की रैम देखने मिल जाएगी, 512GB की SSD देखने मिल जाएगी, i5 का 10th जनरेशन देखने मिल जाएगा। काफी तगड़ा प्रोसेसर है, प्राइस के हिसाब से काफी तगड़ा प्रोसेसर है, सारे काम आप इसमें कर सकते हो। और जो ग्राफिक कार्ड है वो आपको 4GB का GTX 1650 वाला ग्राफिक कार्ड देखने मिल जाएगा, ये भी काफी तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। यहाँ पर आप मिड टू हाई लेवल की गेमिंग कर सकते हो, जितने भी पॉपुलर गेम्स है लाइक GTA 5, FIFA, ये सारे गेम्स आप हाई सेटिंग पे, मिड टू हाई सेटिंग पे आप खेल सकते हो आराम से। तो यार ये सबसे लेस एक्सपेंसिव गेमिंग लैपटॉप है जो कि आपको 53,000 पे देखने मिल जाता है GTX 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ में। तो अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा टाइट है, मतलब आपने पहले ही लड़ झगड़ के फैमिली से बजट बढ़ा दिया है 50 से 53,000, तब तो कोई ऑप्शन नहीं है, आप इसी के साथ में जा सकते हो। यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी एवरेज सी देखने मिलेगी, तो प्लीज़ थोड़ा अच्छे से लैपटॉप को यूज़ करना, इज्जत से यूज़ करना, रफली यूज़ मत करना। और यहाँ पर आपको 60Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल रहा है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा गेमिंग परफॉर्मेंस जो है वो कम हो सकता है। बट स्टिल अगर बजट टाइट है तो कोई और ऑप्शन नहीं है आपके पास, आप इसी के साथ में जा सकते हो। जो नेक्स्ट लैपटॉप है वो है MSI का GF63 Thin, ये आपको 54,000 का देखने मिल जाता है। और इस लैपटॉप को मैं 2.5 साल से यूज़ कर रहा हूँ, इस पे तो पूरी प्लेलिस्ट है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो, काफी सारे वीडियोस इस वाले लैपटॉप पे बना रखा है। इसका डिजाइन काफी तगड़ा है, आपको प्रोफेशनल सा डिजाइन देखने मिल जाएगा, कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने मिल जाएगा एक्चुअली। और जो बिल्ड क्वालिटी है वो आपको प्लास्टिक की देखने मिल जाएगी, बट स्टिल कोई खराब सा प्लास्टिक यूज नहीं किया है। बट हाँ यहाँ पर आपको हिंज इश्यूज देखने मिलते हैं, लाइक हिंज वाइब्रेट होता है अगर आप हाई फैन स्पीड के नीचे बैठते हो, बट अगर आप नॉर्मली काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है। बिल्ड क्वालिटी उतना भी खराब नहीं है, मैं काफी सालों से यूज कर रहा हूँ और मैं थोड़ा तो रफ यूज कर ही लेता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है बिल्ड क्वालिटी में, मुझे तो नहीं लगी एटलीस्ट। इसमें भी आपको कोई RGB इफेक्ट नहीं देखने मिलेगा, और जो बैकलिट कीबोर्ड है उसका कलर रेड कलर है, और ये जितने भी हाई इंटेंसिटी कलर्स होते हैं लाइक रेड ऑरेंज, ये बहुत ज्यादा दिक्कत देता है आंखों को जब आप नाइट टाइम में यूज कर रहे हो लैपटॉप को। और जो इस लैपटॉप का मास है वो सिर्फ 1.86 किलोग्राम का है, तो काफी लाइट वेट हो जाता है। और जो डिस्प्ले वो आपको 15.6 इंच की फुल HD की पैनल देखने मिल जाएगी, ये IPS पैनल है और 60Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आती है। और यहाँ पर आपको 8GB की रैम देखने मिल जाएगी, 1TB की HDD प्लस 256GB की SSD देखने मिल जाएगी, तो दोनों कॉम्बिनेशन आपको देखने मिल जा रहा है। और जो ग्राफिक कार्ड है वो GTX 1650 Max Q 4GB वाला ग्राफिक कार्ड है। ये GTX 1650 जो ग्राफिक कार्ड है उससे थोड़ा सा अंडर परफॉर्म करता है और थोड़ा पावर भी कम कंज्यूम करता है, इस वजह से जो इस लैपटॉप की बैटरी लाइफ है वो काफी तगड़ी है। लिस्ट में जितने भी लैपटॉप बताने वाला हूँ सबसे तगड़ी बैटरी लाइफ इसी में है, लाइक ये 4.5 घंटे की बैटरी लाइफ आराम से दे देता है अगर आप नॉर्मल टास्क कर रहे हो तो। और जो प्रोसेसर है वो i5 10th जनरेशन है, अगेन काफी तगड़ा प्रोसेसर है, कोई इसमें शिकायत नहीं है, सारे टास्क ये आराम से हैंडल कर लेता है। तो ये लैपटॉप उनके लिए बेस्ट है, लाइक जो स्टूडेंट है जिनको पोर्टेबल लैपटॉप चाहिए, जिनको बैटरी लाइफ एक्चुअली बहुत ज्यादा चाहिए, तो वो लोग इस लैपटॉप के साथ में जा सकते हैं। और
लैपटॉप परचेस करने से पहले एक चीज जरूर नोट करना कि आपके आसपास MSI का सर्विस सेंटर जरूर हो, क्योंकि यार MSI एज अ ब्रांड इंडिया में अच्छी तरीके से एस्टैब्लिश नहीं हुआ है करंटली, आने वाले फ्यूचर में हो सकता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपके आसपास MSI का सर्विस सेंटर है तभी आप इस लैपटॉप को परचेस करना, नहीं तो यार बहुत सारे दिक्कत देखने मिल सकता है। जो नेक्स्ट लैपटॉप है लिस्ट में वो है लिनोवो का आइडिया पैड। ये आपको 54,000 का देखने मिल जाता है और मुझे पर्सनली लगता है ये लैपटॉप बेस्ट है 55,000 के प्राइस रेंज पे, तो आप इसके साथ में जरूर जा सकते हो। यहाँ पर आपको जो डिजाइन है वो काफी कॉम्पैक्ट डिजाइन देखने मिल जाता है। बिल्ड क्वालिटी यहाँ पर प्लास्टिक की देखने मिल जाती है, बट स्टिल एवरेज प्लास्टिक नहीं है, अच्छा बिल्ड क्वालिटी है। हिंज इशूज आपको यहाँ पर नहीं देखने मिलते और जो लैपटॉप का मास है वो 2.2 kg का है। यहाँ पर भी आपको RGB इफेक्ट नहीं देखने मिलता है, बट जो बैकलिट कीबोर्ड कलर है वो सटल सा पर्पल कलर है जो आंखों को दिक्कत नहीं देता है। 15.6 inch की फुल HD की आपको IPS पैनल देखने मिल जाती है और यहाँ पर आपको 120Hz का रिफ्रेश रेट भी देखने मिल जाता है। तो ये ओवरऑल डिस्प्ले के डिपार्टमेंट में काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म करता है। आपको IPS पैनल भी देखने मिल रहा है, 120Hz का हायर रिफ्रेश रेट भी देखने मिल रहा है, तो गेमिंग परफॉर्मेंस आपको अच्छी देखने मिल सकती है। यहाँ पर 8GB की RAM आपको देखने मिल जाएगी, 512GB की SSD आपको देखने मिल जाएगी और यहाँ पर भी आपको i5 का 10th जनरेशन देखने मिल जाएगा और GTX 1650 4GB वाला ग्राफिक कार्ड देखने मिल जाएगा। तो डेफिनेटली 54,000 के प्राइस ब्रैकेट पे ये लैपटॉप बेस्ट हो जाता है। अगर आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है लाइक 53,000, तब तो आप Acer Aspire 7 के साथ में जाओ, बट अगर आप बजट इंक्रीज कर सकते हो 54,000 तक, तब आप Lenovo आइडिया पैड के साथ में जा सकते हो, काफी अच्छा वैल्यू फॉर मनी है। एक और लैपटॉप है 55,000 पे, ये है MSI का Bravo 15 और ये परफॉर्मेंस के मामले में और गेमिंग के मामले में काफी तगड़ा है, सारे लैपटॉप को ये आराम से डिफीट कर देता है। इसमें आपको बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन सेम MSI GF63 थिन की देखने मिल जाती है, आइडेंटिकल है। आपको 8GB की RAM देखने मिल जाएगी, 512GB की SSD देखने मिल जाएगी। आपको यहाँ पर 15.6 इंच की फुल HD की IPS लेवल एक डिस्प्ले देखने मिल रही है जो कि 144Hz रिफ्रेश रेट के साथ में आ रही है। यहाँ पर आपको IPS पैनल नहीं देखने मिल रहा है, IPS से थोड़ा सा कम डिस्प्ले है, IPS लेवल है, बट जो प्रोसेसर और ग्राफिक कार्ड है वो काफी तगड़ा है। यहाँ पर आपको Ryzen 5 का 5600H वाला प्रोसेसर देखने मिलता है और जो ग्राफिक कार्ड है वो AMD का Radeon RX 5500M वाला है 4GB का, और ये काफी तगड़ा ग्राफिक कार्ड है। लाइक लिस्ट में जितने भी ग्राफिक कार्ड मैंने बताया सबसे अच्छा परफॉर्म करता है ये, 1650 Ti 1660 Ti तक ये बीट कर देता है आराम से। तो यार अगर आपको परफॉर्मेंस चाहिए और आपको ब्रांड से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी ब्रांड आपको चल जाएगा, MSI भी चल जाएगा, आपके आसपास सर्विस सेंटर है, तो डेफिनेटली MSI Bravo 15 के साथ में आप जा सकते हो। ये काफी तगड़ा गेमिंग करा देगा, काफी तगड़ा आपको परफॉर्मेंस भी दे जाएगा। बट अगर आपके लिए ब्रांड मैटर करता है, आपको सर्विस अच्छी चाहिए और आपको थोड़ा सा मिड लेवल की गेमिंग करनी है, तब तो आप Lenovo आइडिया पैड के साथ में जा सकते हो। होपफुली अब तक आपने डिसाइड कर लिया होगा कि आपके लिए कौन सा बेस्ट लैपटॉप है। मैंने सारे सिनेरियोस कवर किए, लाइक आपका बजट बहुत ज्यादा टाइट है तब आप क्या कर सकते हो, अगर आप बजट इंक्रीज कर सकते हो 54 तक तब आप Lenovo आइडिया पैड में जा सकते हो, और अगर आपको सिर्फ गेमिंग से मतलब है, सिर्फ परफॉर्मेंस से मतलब है, तब आप MSI Bravo 15 के साथ में जा सकते हो। तो एक लैपटॉप आपने अब सिलेक्ट कर लिया होगा, अब उस लैपटॉप के बारे में सारी जानकारी के लिए लाइक उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन हम कर सकते हैं, रैम किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं, स्पीकर से आउटपुट कैसा है, सारी चीज़ें जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो को चेकआउट करो, फुल रिव्यू चेकआउट करो और उसके बाद लैपटॉप को परचेस करो। तो बस इतना ही था इस वाले वीडियो के लिए, अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और आगे आने वाले वीडियो में हम और भी कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको कुछ सवाल है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पर कम्युनिकेट करना बहुत ही ज्यादा इजी हो जाता है। बाय।